राजस्थान के अजमेर में एक ट्रेन और मालगाड़ी के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास ही भिड़ंत हुई है। हादसा इतना भीषण था कि साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन समेत 4 कोच डिरेल हो गए। ये हादसा रात करीब 1:10 पर मदार स्टेशन के पास तब हुआ जब मालगाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ गई। इसके बाद ट्रेन के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस की टक्कर मालगाड़ी से हो गई। हादसे के वक्त ट्रेन में हजारों की संख्या में यात्री मौजूद थे। ट्रेन ट्रैक से डिरेल होने के बाद पटरी से काफी दूर पहुंच गई और इलेक्ट्रिक लाइन के लिए लगे खंभों को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। हादसे के काफी देर बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव का काम शुरू किया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद यात्रियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ट्रेन करीब 12:55 पर अजमेर रेलवे स्टेशन से निकली और कुछ किलोमीटर चलने के बाद यह हादसा हुआ। हादसे के समय ट्रेन में बैठे लोगों को जबरदस्त झटका लगा और सीटों पर सो रहे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और सीटों से नीचे गिर गए। हादसे के बाद रेलवे अधिकारियों के देर से घटनास्थल पर पहुंचने पर यात्रियों ने नाराजगी भी जताई। देखिए पूरी रिपोर्ट। यहाँ पर 3 लाइनें हैं, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन एंड अजमेर बाईपास लाइन। जी, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन। तो डाउन मेन से गाड़ी आ रही थी, होम सिग्नल उसका रेड था। उसको जो पायलट्स को कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लग गया। इधर से दूसरी गुड्स ट्रेन मेरी क्रॉस कर रही थी तो वो कंट्रोल करने में देरी हो गई और उनके दोनों साइड से रगड़ खा गई, जिसके कारण ट्रेन के कुछ कोचेज डिरेल हो गए हैं। चोट किसी को नहीं लगी, किसी का कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। एक आदमी को फर्स्ट एड, थोड़ी सी खुर्च लगी थी, उसको फर्स्ट एड दे करके फर्स्ट एड दिया गया। देन हम लोगों ने ये वो ट्रेन भी यहाँ से साइड से चालू हो गई। 3 में से 2 लाइनों पर ट्रेन की आवागामी चालू हो गई है। सर, बताया जा रहा कि एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनें थी? नहीं, एक ट्रैक पे 2 ट्रेन नहीं थी, एक डाउन मेन से दूसरी जा रही थी। तीसरी जो लाइन है मेरी बाईपास लाइन से क्रॉस कर रही थी। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रैक पे ऊपर 2 हैं, कोई सिग्नल फेलियर या कोई टेक्निकल फेलियर इसमें कोई नहीं है। सर, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है, करीबन 20 आगे की तरफ चला गया ट्रैक से, डाइवर्ट हो गया इंजन, पावर बची का। तो सर, कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं स्थिति बनी होगी तभी तो ये डाइवर्ट हुआ होगा, या फिर अपने आप नहीं। वो जो क्योंकि गुड्स ट्रेन लोडेड गुड्स ट्रेन थी, क्लिंकर से भरी हुई थी, तो उसमें वजन बहुत था। तो जब दो हैवी, एक हैवी और एक हल्के, एक हैवी और प्लीज आगे हो जाइए थोड़ा, एक हैवी और एक लाइट जो व्हीकल जो साइड में गुजरते हैं, तो हल्के वाला व्हीकल साइड पे हो जाता है। सर, आप किस तरीके से ट्रेनों को प्रभावित किया गया है? कौन कौन सी ट्रेनें अब तक बड़ी जो ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, किस तरीके से वैकल्पिक मार्ग चूज किया गया? व्हीकल 2 रस्ते, हमने 2 लाइन फिट हो गई हैं। जैसे अभी देख रहे हैं राजधानी आ चुकी है, सबसे पहले भी यहाँ से एक ट्रेन गुजर चुकी है। अब मेन राजधानी प्रॉपर पाथ पर आ रही है, तो वो राजधानी अभी क्रॉस करेगी यहाँ से। सर, जयपुर से आने वाली कई गाड़ियों को भी मतलब रद्द कर दिया गया है, अजमेर से भी कई गाड़ियाँ रद्द हो चुकी हैं, तो सर कितनी देर के अंदर ये रूट चालू हो जाएगा? सर, 2 रूट अभी चालू हो गए हैं। तो जो पहले जो रात से प्रभावित हुए थे, जिनको ट्रेन को कंट्रोल किया गया था, अब उन ट्रेन को पहले निकालेंगे। सर, करीबन 1 जना घायल हुआ था, खाली मामूली चोट थी, लेकिन हादसा कहीं ना कहीं बड़ा है, तो कोई जाँच कमेटी भी गठित? हाँ, हमने यहाँ पर 3 ऑफिसर्स की कमेटी को गठित कर दिया गया है, वो इसकी जांच कर रही है। सर, लेकिन अब तक जैसे आपने बताया कि वो खाली टक्कर लगी जो निकल रही थी गाड़ी, उसके अंदर इतना हादसा हो गया, तो सर कहीं ना कहीं कुछ तो लापरवाही कुछ की सामने आई होगी? वो कमेटी इसको जांच करेगी। सर, प्रथम दृष्टया तो कुछ ना कुछ सामने आया होगा ना, सर सिग्नल फेलियर आया कि नहीं? इतना बताया, टेक्निकल फेलियर कहीं नहीं है, तो ये तो पक्का असर्टेन हो गया, टेक्निकल फेलियर कहीं नहीं है। कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर जरूर हुई है, वो ह्यूमन एरर किस कारणों से हुई है वो कमेटी तहकीकात करके फिर बताएगी। जो कल एक्सीडेंट की बाकी की ट्रेन थी, यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा दिया? यहाँ से जा चुके हैं, वो ऑन द वे टू जयपुर है, जयपुर से फिर आगरा तक वो ट्रेन है, आगरा पहुँच जाएगी। तो सर, और भी कोई मार्ग, जैसे वंदे भारत ट्रेन थी उसको मदार जंक्शन से चलाया गया, तो उन यात्रियों के लिए कोई अन्य सुविधा की गई थी? सर, जो जहाँ से जो प्रभावित गाड़ी थी उसको अजमेर ले जाया गया, अजमेर में उनको चाय पानी नाश्ता कराया गया एंड देन फिर आगे उस ट्रेन को यहाँ से चलता कर दिया गया।